आइए सीता माँ, आइए। तो चलिए दीपिका जी, आप बताइए पहले हमारे इंडियाज़ बेस्ट डांसर की, हमारी ये छोटी सी सीता, आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं तो खो गई, मैं भूल गई कि सीता जी मैं हूँ या ये है। राम जी थोड़े मैच नहीं हो रहे ये सीता जी के साथ, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। थैंक यू, थैंक यू। वो मैच कैसे करेंगे जब आप है ना? Yes. वो कमी पूरी आप करोगे। wow. प्लीज, हम चाहेंगे कि आप भी वो सीन करें। आइए उधर आओ। क्या बात चल रही है देवर भाभी में? इनका विचार है कि मैं आपके हृदय की बात जानती हूं। मैं अभी उनको सच बताने ही वाली थी। तो क्या सच बताने वाली थी आप? यही कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनकी कोई गलती नहीं है। आपकी मानसिक अवस्था का कारण मैं हूं। राक्षसों से लड़े और वो भी मेरे जैसी साधारण स्त्री के लिए। नहीं सीते, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम राम की धर्मपत्नी हो। तुम्हारी रक्षा के लिए समुद्र पर सेतु बांधना तो क्या, यदि दूसरे लोक तक भी आना पड़ेगा राम को तो मैं आऊंगा। दीपिका मैम, आप जैसे ही आपने पहले लाइंस कहे ऐसा लगा कि हमारा ये शो का सेट नहीं चल रहा, कहीं और चले गए हैं। केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ यू सर रियली मेक्स मी फील सो हैप्पी टू सी यू डू दिस। और फॉर योर आर्ट एंड क्राफ्ट एंड क्रिएटिविटी, उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा ये चुमेश्वरी क्राउन बनता है आप दोनों के लिए। वैसे मैं कोई होता नहीं हूँ, बट अगर इंद्रदेव होते हैं तो वो आपको जरूर ये पहनाते हैं। क्या बात है। मैं सिर्फ एक ही चीज करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज आपने इतना अच्छा किया, खुद भगवान भोले शंकर भी खड़े हो गए आपकी परफॉर्मेंस देख के। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू सो मच दीपिका जी। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।